give her a unique compliment. Unique compliment का क्या मतलब होता है? Compliment तो compliment होता है. Unique compliment का मतलब होता है लड़की को ऐसा compliment दो जो आम तौर पर उसे किसी ने ना दिया हो, या फिर शायद जिस चीज के लिए वो बुरा महसूस करती हो. मैं एक लड़की से मिला था, उसकी नाक बड़ी लंबी थी. होती है ना, कई लोगों के नाक ऊंची होती है, लंबी होती है, चेहरे से ज्यादा नाक बड़ी थी, फिर भी वो बहुत खूबसूरत लगती थी. मैं एक दिन उसके पास बैठा था, मैंने कहा यार तुम्हारी नाक ना बड़ी प्यारी लगती है. जो ग्रीक की लड़कियां होती है, जो रशिया की खूबसूरत लड़कियां होती है, उनकी नाक आमतौर पर लंबी होती है और वो बड़ी खूबसूरत लगती है. तुम्हें पता है तुम्हारी नाक की वजह से बहुत अट्रैक्टिव लगती हो. उसने मुझसे कहा मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी नाक छोटी हो, मुझे मेरी नाक से नफरत है. यार हो सकता है ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, पर मुझे तो तुम्हारी नाक बहुत पसंद है. सिर्फ तुम्हारी नाक की वजह से मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ. तब तो वो मुस्कुरा गई, लेकिन बाद में उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और वो मेरे साथ कुछ ज्यादा ही चिपकने लग पड़ी. यूनिक कॉम्प्लीमेंट्स कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे लड़कियां खुद को पसंद नहीं करती. अब लड़की से पूछोगे तो तुम्हारे अंदर क्या कमी है, तो वो अपने अंदर हजार कमी निकाल कर बताएगी. पतली भी होगी तो उसे लगता है मैं बहुत मोटी हूँ. लड़कियां और गोरी होना चाहती है, वो तो नंबर वन होना चाहती है. तो आपको ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां आप उन्हें यूनिक कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हो. एक बात की ओर ध्यान देना, मिलते ही यूनिक कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देना है. ऐसे ही नहीं अनजान लड़की बैठी है और आपकी नाक बड़ी लंबी है, जूते पड़ेंगे, क्योंकि वो सोचेगी तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो. यूनिक कॉम्प्लीमेंट देने से पहले अच्छी खासी दोस्ती कर लेनी चाहिए. एक और तरीका है, तुम उसे नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट्स भी दे सकते हो. देखो नेगेटिव भी है और कॉम्प्लीमेंट्स भी. नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट्स को समझो. नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है? जो उसकी बुराई भी हो और तारीफ भी. जैसे तुम लड़की से कह सकते हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पता है, तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हो. मैंने एक लड़की से कहा था तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत है कि तुम्हारे और कहीं ध्यान ही नहीं जाता. और एक लड़की को क्या कहा था, जानते हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम इतनी इंटेलिजेंट हो कि तुम्हारे सामने कोई भी खुद को बेवकूफ समझने लगता है. मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे इंसल्टिंग सा फील होता है कि यार मैं तुम्हारे जितने इंटेलिजेंट क्यों नहीं हूँ, आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा. नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट्स. आपने तारीफ ही की है लेकिन उसे किसी शिकायत की तरह या किसी कमी की तरह कहा है. कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में और एक चीज जान लो, अगर तुम लड़की को रोज कॉम्प्लीमेंट देते हो कि तुम्हारी आंखें सुंदर है, तुम बहुत खूबसूरत हो, ये अच्छा है, वो अच्छा है, तो धीरे धीरे तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट्स का वैल्यू खत्म हो जाएगा. और कितनी तारीफ करोगे, 5-6 चीजें ही तो होती है तारीफ के लिए. तुम्हें क्या करना है, कम से कम 4 बार उसकी बुराई कर दो, फिर 1 बार तारीफ कर दो. और बुराई भी ऐसे करना है जैसे मान लो जैसे ही वो आई बोलो नहा कर भी आ जाया करो कभी कभी. अब ये तुम मजाक में कह रहे हो, ऐसे नहीं कहना है. तुम कुछ भी पहन लो मोटी ही लगोगी, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स दोगे तो जूते पड़ेंगे. मोटापे को लेके लड़कियां बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती है. कॉम्प्लीमेंट्स देते समय खुद का पोजीशन देख लेना है. अगर आप ऑफिस के बॉस है या टीचर है तो कॉम्प्लीमेंट्स देने का तरीका बदल जाना चाहिए. अपने पोजीशन का फायदा नहीं उठाना है और डोमिनेट नहीं करना है. कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में और जानेंगे आने वाले लेक्चर्स में.